सो वंस अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी के अंदर, और यहाँ पे जो मेरी बुक है उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर नंबर 6 सेक्शन 22 से स्टार्ट होगा, 30 में जाके कंप्लीट हो जाएगा। कुछ डेफिनेशंस हैं जो डेफिनेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाती है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बिजनेस वर्टिकल की जो डेफिनेशन है ये क्या हो गई है, डिलीट हो गई है, अब ये डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर बिजनेस वर्टिकल की डेफिनेशन चेंज हो गई है, तो पहले आपको पता होगा बिजनेस वर्टिकल का मतलब क्या होता था। अगर मेरा कोचिंग क्लासेस का बिजनेस है और मेरे फादर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है, मतलब कि वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर है, तो उस केस के अंदर मैंने वहां पे भी पार्टनरशिप कर रखी है, तो उस केस के अंदर मैं दो रजिस्ट्रेशन ले सकता था एक स्टेट के अंदर। और ये बिजनेस वर्टिकल की डेफिनेशन चेंज मतलब हट गई सीधे, ये अबॉलिश हो गई, डिलीट हो गई। तो इससे क्या है कि अगर आज की डेट में मेरे कोचिंग सेंटर है दिल्ली के अंदर, अगर मान लो 5 प्लेस में, पटेल नगर, लक्ष्मी नगर, आपका द्वारका और ऐसे 2-3 जगह में और है, तो मैं आज की डेट में सबके लिए क्या कर सकता हूँ, सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ। तो आज की डेट में आप लोग सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, चाहे आपका सेम बिजनेस हो, ठीक है जी। आगे रजिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले जो हमारा फोकस होगा सेक्शन 22, 23 और 24। सेक्शन 22 डील करता है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर बताया गया है कौन से पर्सन है जिनको अपना जीएसटी में क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। सेक्शन 23 के अंदर बोला है वो पर्सन हैं जिनको अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, और सेक्शन 24 के अंदर बोला हुआ है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी का मतलब कि भैया आपके लिए कंपलसरी है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, आपको कोई थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 22, 23, 24 रजिस्ट्रेशन से डील करते हैं, ये हमें एक साथ पढ़ने। उसके बाद सेक्शन 25 में प्रोसीजर बता रखा है रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन कराने का क्या प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्शन 22, 23 और 24 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोसीजर देखेंगे। तो ये एक तरीके से हमारा हाफ पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद सेक्शन 26 है, 27 है, 28 है, और 29 और 30 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन, तो वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 29 और 30 आप मान के चलो, 29 और 30 में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे, तो ये दो सेक्शन 2.5 से 3 घंटे ले लेंगे हमारा, ठीक है ना। तो डिटेल एनालिसिस करेंगे इसकी, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। चलते हैं इसमें सेक्शन 22 में, आपका मॉड्यूल निकाल लेता हूं, ये सीएमए का मॉड्यूल है। अगर आप इसके अंदर देखोगे, ये स्टार्टिंग का मैं नहीं बता रहा, और उसके बाद अगर आगे चलें तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 22। सेक्शन 22 सब सेक्शन 1। तो सेक्शन 22 की हेडिंग क्या है, एक बार इसकी हेडिंग बना लेते हैं, और सेक्शन 22 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन जो 22 है आपका, नोट्स बना लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेक्शन 22 की, सेक्शन 22 बोलता है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इसे मैं दो पार्ट में ब्रेकअप करूंगा आपके साथ। अगर एक पार्ट में यहां पे बोलूं तो उसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा वो रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड लिमिट है, उसके अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट देखेंगे, और यहां पे जो रजिस्ट्रेशन है वो बेस्ड ऑन इवेंट है, यहाँ पे इवेंट चेक किया जाएगा। अगर आप उस इवेंट के अंदर फॉल करते हो तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब देखो इसके अंदर क्या बोला हुआ है,
सबसे पहले जो हमें बता रखा है रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड लिमिट, वो हमें सेक्शन सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 में हमें बता रखा है। टोटल इसके अंदर अगर बात करें तो सब सेक्शन 1 से स्टार्ट होगा, सब सेक्शन 4 तक जाएगा, टोटल 4 सब सेक्शन है और साथ में एक्सप्लेनेशन है 3। और कितनी एक्सप्लेनेशन इसमें यूज की गई है, टोटल 3 एक्सप्लेनेशन इसके अंदर यूज की गई है। और यहाँ पे हम डील करेंगे सेक्शन 22 सब सेक्शन 2 से लेके सेक्शन 22 सब सेक्शन 4 तक हम यहाँ पे डील करेंगे। तो सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 के अंदर क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट बता रखी है हमें, और थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर हमें क्या बता रखा है, तो इसके अंदर भी हमें दो पार्ट के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। एक तरफ हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की और दूसरी तरफ हम सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज की। तो गुड्स के लिए लिमिट अलग है और सर्विसेज के लिए लिमिट क्या है, अलग है। यहाँ पे सबसे पहले गुड्स की बात करते हैं, गुड्स के लिए क्या लिमिट बना रखी है। एक मिनट, देखो गुड्स के केस में क्या लिमिट बना रखी है इन्होंने, गुड्स के केस के अंदर इन्होंने बोला है नंबर वन, अगर आप सप्लाई 10 लाख रुपए की लिमिट है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं 10 लाख की लिमिट है। अब ये 10 लाख की लिमिट कहाँ पे है, मैं ना नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मैं नेक्स्ट पेज के अंदर ये लिमिट लिख रहा हूँ। तो मैं क्या सप्लाई कर रहा हूँ, मैं सप्लाई कर रहा हूँ गुड्स। तो अगर मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ तो नंबर वन मेरे लिए यहाँ पे लिमिट बताई गई है 10 लाख की लिमिट बताई गई है। अब ये 10 लाख रुपए की लिमिट कहाँ पे है, जो हमारी क्या है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है, हमारी क्या है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट बताया गया, पहले मैं ये अलग से बता रहा हूँ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट कहाँ पे डिफाइन है। तो आर्टिकल 279 कैपिटल ए 4G के अंदर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट डिफाइन है और ये बोला गया है कि जीएसटी काउंसिल क्या कर सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है और कुछ स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकती है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स को। और टोटल स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट 11 स्टेट है, जिसके अंदर पहले क्या होता था कि इनके लिए जो लिमिट थी वो 10 लाख रुपीज की लिमिट थी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और इसमें एक्सेप्ट जे एंड के को उस लिमिट से बाहर रखा गया था। जे एंड के जो हमारा है उसके लिए लिमिट होती थी 20 लाख रुपीज की रजिस्ट्रेशन कराने की। अगर इसकी टर्नओवर क्या होगी 20 लाख से ज्यादा होगी जे एंड के की, तो जाके उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता था, और जो बाकी के 10 होते थे उनको अपना रजिस्ट्रेशन 10 लाख के ऊपर कराना होता था। अब यहाँ पे अमेंडमेंट क्या आ गई, अमेंडमेंट का मतलब चेंज क्या आ गया, तो देखो चेंज क्या आ गया, अब 10 में से क्या कर दिया, 4 की स्टेट को स्पेशल कैटेगरी और स्टेट के अंदर रखा गया, बाकी 6 को भी क्या कर दिया यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया, तो इसको भी बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे 4 कौन से लिए इन्होंने, वो 4 स्टेट कौन से लिए जिनको स्पेशल कैटेगरी और स्टेट के अंदर रखा गया। तो सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में आप याद कर सकते हो नागमणि तेरा पूरा मजा। अब नागमणि का मतलब क्या है, एन से आ गया आपका नागालैंड, एन से आपका क्या आ गया नागालैंड लिख लो आप यहाँ पे, एम से आपका आ गया मणिपुर, नागमणि मणिपुर, टी से आ गया आपका त्रिपुरा और एम से आ गया आपका मिजोरम। तो नागमणि तेरा पूरा मजा, तो इन 4 स्पेशल कैटेगरी और स्टेट के लिए आज की डेट में जो लिमिट है वो कितनी है, 10 लाख की लिमिट है।
और ये जो स्टेट है यहाँ पे छह जिनको यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया है, इसके अंदर जो स्टेट आ जाएंगी, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट आपको बता देता हूँ कौन सी आ जाएंगी इसके अंदर। तो इसके अंदर आ जाएगी सूमा, इसके अंदर क्या आ जाएगी, सूमा। सूमा का मतलब क्या है, ऐसे आ जाएगा आपका सिक्किम, ऐसे क्या आ जाएगा आपका सिक्किम आ जाएगा, यू से आपका आ जाएगा उत्तराखंड, और एम से आपका आ जाएगा मेघालय, और ए से आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ये टोटल आपका हो गया चार ही हुई सर, दो और आपको बताता हूँ। दो जो यहाँ पे ली गई है वो नॉन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट ली गई है, उसके अंदर टीपी आ जाएगा, सूमा तुम टैक्सेबल पर्सन बन गई। तो टी से क्या आ जाएगा, तेलंगाना आ जाएगा, और पी से क्या आ जाएगा, पुंडुचेरी। पी से क्या आ जाएगा, पुंडुचेरी। तो अब यहाँ पे इनके लिए जो लिमिट है वो कितने की है, 20 लाख की। इनके लिए जो लिमिट है वो कितने की है, 20 लाख की लिमिट है। इनके लिए 20 लाख रुपीज की लिमिट है। तो आपको क्या समझ में आ गया, एक बार आपका मॉड्यूल अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आपके मॉड्यूल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सप्लाई जो की जा रही है लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है किसको छोड़ के, अदर देन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट। इसका मतलब कि जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है उनके लिए कुछ अलग लिमिट रखी गई है, और यहाँ पे ये हमें जो टैक्सेबल सप्लाई निकालनी है, ये टैक्सेबल सप्लाई कैसे निकलेगी, एग्रीगेट टर्नओवर लेनी है हमें फाइनेंशियल ईयर की, हमें एग्रीगेट टर्नओवर चेक करनी है फाइनेंशियल ईयर की। अगर वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होगी तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल दिया मैंडेटरी हो जाएगा, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर क्या हो जाएगी, एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर डिफाइन है ऑलरेडी। हम लोग इसको जो वैल्यूएशन का हमारा चैप्टर था वहां पे हमने डिटेल डिस्कशन किया था, तो इस चैप्टर के अंदर हम इसका डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, वैल्यूएशन के अंदर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, सेम मीनिंग है। सबसे पहले कहता है कि एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली का मतलब ओनली केवल आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, केवल अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो। आ गया यहाँ पे नागमणि, तेरा पूरा मजा, नागमणि एन से हो गया नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है जी। तो 10 लाख रुपए की लिमिट, ये चेंजेस आ गए, अमेंडमेंट आ गई। उसके बाद सूमा, सूमा ऐसे आ गया आपका सिक्किम, सिक्किम यहाँ पे लिखा हुआ है, एस यू, यू से आ गया आपका उत्तराखंड, मा, एम आ गया आपका मेघालय, और ए आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश, और टीपी। तो सूमा तुम टैक्सेबल पर्सन बन गई। ये टीपी क्या है, नॉन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है, तो ये एक याद करने का शॉर्टकट है जिससे कि आपको जल्दी लर्न हो जाएगा और आप भूलोगे नहीं। तो इनके लिए लिमिट कितनी है, 20 लाख की, पर ये आपको ध्यान रखना है कि ये ओनली क्या कर रहे हैं, गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो 20 लाख रुपए की लिमिट है। उसके बाद यहाँ पे रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए, मतलब दिल्ली की बात कर लो, महाराष्ट्र की बात कर लो, ठीक है, मुंबई की बात कर लो, तो उन सारी स्टेट के लिए कितने की लिमिट है, 40 लाख की। तो बहुत बढ़िया चार्ट यहाँ पे सीएमए इंस्टीट्यूट ने बना रखा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे सप्लायर एंगेज्ड है किसके अंदर, सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसके अंदर जो नागमणि तेरा पूरा मजा है उसके लिए तो 10 लाख की लिमिट है, और रेस्ट ऑफ द स्टेट के लिए कितनी लिमिट है, 20 लाख की। तो आप सिंप्लीफाइड यहाँ पे लिख सकते हो, और ये आप जो चार्ट हम लोग बना रहे थे ये आप कंप्लीट कर सकते हो यहाँ पे, कि सप्लाई ऑफ गुड्स नंबर 1 10 लाख रुपए की लिमिट है, उसके बाद और इसके अंदर आपके जो गुड्स के अंदर या गुड्स बोल लो, और इधर एक और लाइन बना लो सप्लाई किसकी, सर्विसेज की। तो जो ये वाले स्टेट है नागमणि तेरा पूरा मजा, तो वो यहाँ पे भी 10 लाख रुपए की लिमिट है, और यहाँ पे भी सेम है 10 लाख रुपए की लिमिट है। इसी तरीके से दूसरा आप 20 लाख रुपए की लिमिट है, और 20 लाख रुपए के अंदर सूमा आ जाएगी, 20 लाख के अंदर सूमा टैक्सेबल पर्सन, और यहाँ पे सूमा टैक्सेबल पर्सन आ जाएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे तो पूरा ही सेम है, यहाँ पे तो फिर 20 लाख की लिमिट है सबके लिए, डू सेम कर दो। और तीसरा आप कर दो यहाँ पे 40 लाख रुपए की लिमिट, 40 लाख रुपए रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए आ जाएगा, तो यहाँ पे 40 लाख की लिमिट है ही। पॉइंटर्स में सेम क्या कह रहे हो,
20 लाख वाला पॉइंट है ये, सेकंड वाला में कहीं, इसमें कहीं नहीं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। अरे ये रहा ना 20 लाख वाला में, ये रहा, ये तो रहा 20 लाख वाला, रेस्ट ऑफ द स्टेट के लिए 20 लाख। समझ में आ गया, बहुत इजी है। 20 लाख आ गया समझ में? हाँ जी सर। हाँ, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अगर आप नागमणि तेरा पूरा मजा तो 10 लाख है, सुमा टैक्सेबल पर्सन 20 लाख है, रेस्ट ऑफ द इंडिया 40 लाख है। अगर आप सर्विस और गुड्स दोनों की सप्लाई कर रहे हो तो नागमणि तेरा पूरा मजा 10 लाख और रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए 20 लाख, बस सिंपल, कुछ भी नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22 सबसेक्शन 1, पर्सन जो लायबल है, एंगेज है एक्सक्लूसिवली, ओनली किस चीज की सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, इवन इफ एंगेज इन एग्जम्प्टेड सप्लाई प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स और एडवांस और लोन्स, कंसिडरेशन रिप्रेजेंटेड बाय इंटरेस्ट। और मतलब कि यहाँ पे सीधी और सिंपल सी बात है कि अगर कोई बंदा सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है और साथ में उसको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है या डिपॉजिट से उसको इनकम आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानोगे। यहाँ पे लिखा है साफ साफ, इवन इफ, चाहे वो एग्जम्प्ट सप्लाई में हो जहां से उसे डिपॉजिट या एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट या डिस्काउंट मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे सप्लाई ऑफ गुड्स की कैटेगरी में लिया जाएगा। और अगर वो बंदा यहाँ पे एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो उसके लिए जो टर्नओवर होगी वो 40 लाख रुपए की लिमिट होगी। अब यहाँ पे कुछ बोला गया है एक्सेप्शन, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि इस केस के अंदर आपको, आप एक्सक्लूसिवली किसकी सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, पर आपको 40 लाख रुपए की लिमिट नहीं मिलेगी, आपको 40 लाख रुपए की लिमिट नहीं मिलेगी, ओनली आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं। टोटल मिला के 4 केस है, टोटल मिला के कितने केस हैं, 4 केस हैं, आपके उसमें 2 ही केस लिखे हैं, टोटल मिला के 4 केस हैं जिस केस के अंदर आपको क्या है 40 लाख रुपए की लिमिट नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि सर ओनली किस चीज की सप्लाई की जा रही है, ओनली ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स किया जा रहा है, तो हमारे लिए लिमिट कितने की है 40 लाख की। बट ये कह रहा है आपको 40 लाख रुपए की लिमिट नहीं मिलेगी, पहला केस आपको 40 लाख रुपए की लिमिट नहीं मिलेगी। अगर आपको सेक्शन 24 में क्या बोला है कि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना, अगर सेक्शन 24 में आप किसकी सप्लाई कर रहे हो, गुड्स की, तो अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो और आपको बोला है कि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको 40 लाख रुपए की लिमिट नहीं मिलेगी। अब आप कहोगे सर केस कौन सा होगा, बेटा केस क्या है, इंटर स्टेट मैं क्या कर रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ गुड्स की, अगर मैं यूपी से हरियाणा गुड्स की सप्लाई कर रहा हूँ तो इस केस के अंदर मुझे 40 लाख रुपए की लिमिट नहीं मिलेगी, मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। समझ में आ गया? दूसरा केस, दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या बोला, दूसरा केस इन्होंने बोला है अगर आप क्या करते हो, पर्सन एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स, एक पर्सन है किस चीज के अंदर एंगेज है, वो टिप के अंदर, टिप का मतलब देखो क्या है, टी से क्या है टबैको, टी से क्या है टबैको, आई से क्या है आइसक्रीम, और पी से क्या है पान मसाला, पी से क्या है पान मसाला। तो अगर आप टबैको और टबैको प्रोडक्ट्स के अंदर हो, आइसक्रीम और पान मसाला के अंदर हो, तो भी आपको 40 लाख रुपए की लिमिट नहीं मिलेगी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन एंगेज्ड, तो पर्सन कहाँ पे एंगेज है, टिप के अंदर, टी से क्या, टिप का मतलब क्या है, टी से टबैको एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टबैको सब्स्टिट्यूट्स, आई से आइसक्रीम, और उसके बाद पान मसाला आपको मैंने बताया, यहाँ पे क्या लिखा है अदर रिड्यूएबल आइस, पान मसाला कहाँ चला गया, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, आप ऐड कर लो, ये तो है इस लिमिट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, इन्होंने और क्या बोला हुआ है, तीसरा, तो दो हो गए आपके, तीसरा, तीसरा इन्होंने बोला हुआ है जिन्हें 40 लाख रुपए की लिमिट नहीं मिलेगी,
अगर आप एक मिनट तीसरा इन्होंने बोला हुआ है जिसमें 40 लाख रुपए की लिमिट नहीं मिलनी है। अगर आप क्या कर रहे हो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो गुड्स की, तो आप इंट्रा स्टेट क्या कर रहे हो सप्लाई कर रहे हो गुड्स की, और इसके अंदर दो कैटेगरी हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, एक तो नागमणी तेरा पूरा मजा और दूसरा सुमा टैक्सेबल पर्सन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया कि अगर आप इंट्रा स्टेट भी सप्लाई कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो इंट्रा स्टेट भी सप्लाई कर रहे हो तो भी हम आपको 40 लाख रुपए की लिमिट नहीं देंगे। इसके अंदर आपको कितने की लिमिट दी गई है 10 लाख, वही लिमिट आपकी रहेगी, और इसके अंदर आपको कितने की लिमिट दी गई है 20 लाख, वही लिमिट आपकी रहेगी। तो ये हो गया हमारा तीसरा केस। चौथा केस इन्होंने बोला हुआ है कि अगर कोई बंदा क्या करता है सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 के अंदर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, तो अगर कोई बंदा वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो उसे भी ये स्कीम नहीं मिलेगी। और इसी के अंदर एक और चीज लिखी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना इस बात को और बिल्कुल ध्यान से समझना इस बात को, बहुत ही जबरदस्त इंटरप्रिटेशन है इस चीज की, इसको आप ध्यान से देखना क्या बता रहा है। एक बंदा क्या करता है जब जीएसटी आया था, तो जीएसटी कौन से फाइनेंशियल ईयर में आया था 17-18 के अंदर जीएसटी आया था, 1 जुलाई से 2017 से स्टार्ट हो गया था। एक बंदे ने क्या किया 20 लाख रुपए, यहाँ पे 20 लाख रुपए की टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर उसने क्रॉस कर ली, तो जैसे ही 20 लाख की टर्नओवर क्रॉस की होगी बेटा 17-18 में 20 लाख की लिमिट थी, तो उस बंदे ने अपना क्या करा लिया होगा रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा, तो उसने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा जीएसटी के अंदर। उसके बाद क्या हुआ अगला साल आ गया कौन सा फाइनेंशियल ईयर आ गया 18-19, इसके अंदर जो उसकी टर्नओवर थी वो 32 लाख रुपए की थी, तो उसका जो जीएसटी के अंदर उसने क्या करा रखा है रजिस्ट्रेशन करा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला साल आ गया फाइनेंशियल ईयर 19-20, अब कॉन्सेंट्रेट करना जो बोलने वाला हूं, अभी आप कॉन्सेंट्रेट करना जो बोलने वाला हूं। शैलजा जी क्लास चल रही है अभी, हेलो, हाँ मैं अभी भेजता हूँ आपको, मैं अभी भेज रहा हूँ आपको, थोड़ी देर में क्लास से फ्री होगा। ओके तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 19-20 के अंदर क्या हुआ, अब यहाँ पे उसकी जो टर्नओवर है तो उसकी कितनी है 32 लाख की टर्नओवर है, उसने ऑलरेडी क्या कर रखा है जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, ओनली अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, क्या वो अपना डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है? हाँ जी, आंसर क्या होगा सपना बताओ, यस और नो? वेरी गुड। तो वो डी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कर सकता है? हाँ, अप्लाई कर सकता है। आंसर क्या है? यस, क्योंकि अब उसकी लिमिट जो है इस फाइनेंशियल ईयर से 40 लाख रुपए की लिमिट होगी। पर अगर वो बंदा चाहता है कि नहीं मैं इसी स्कीम को कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो कंटिन्यू रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो चौथा पॉइंट था, यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे बोल रहे थे हम लोग कि 40 लाख रुपए की लिमिट नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे जो हमने बोला फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास आया, तो फोर्थ पॉइंट के अंदर हमारे पास कौन आ गया, एक तो चौथा पॉइंट हमारे पास सेक्शन 25(3) वाला आ गया था वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, और वो यहाँ पे सच रजिस्टर्ड पर्सन हु इंटेंडेड टू कंटिन्यू विद देयर रजिस्ट्रेशन। तो अगर कोई अपने रजिस्ट्रेशन के साथ कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे कितनी एक्सेप्शंस हैं? टोटल यहाँ पे 4 एक्सेप्शंस बताई गई हैं। उसके बाद आगे चलते हैं,
इसके लिए आप मेरे को एक व्हाट्सएप करना, बहुत अच्छी एक इलिस्ट्रेशन है मेरे पास, सीए की बुक के अंदर है, वो मैं आपको दे दूंगा, वो आप करेंगे, बहुत जबरदस्त इलिस्ट्रेशन है और मजा आ जाएगा वो करके आपको। ये जो लिमिट इन्होंने बनाई है 40 लाख 20 लाख, पता लग जाएगा कि आपको ये लिमिट समझ में आई या नहीं आई। उसके बाद आगे यहाँ पे देखते हैं मॉड्यूल के अंदर, तो यहाँ पे ये जॉब वर्कर की कहानी कह रहा है। एक बार सानिया आप पढ़ दो इसको, जॉब वर्कर के रिगार्डिंग क्या कह रहा है। The central government wide notification number 2/2019 dated 29 January 2019 has provided that the job workers who are involved in making supply of services in relation to live poultry, that is fowls, to the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls are compulsory required to take registration. हाँ जी, further, it, बस 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 ठीक है। तो इसका क्या कहने का क्या मतलब है, ये क्या कह रहा है, अगर आप क्या कर रहे हो, सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, तो आप सर्विस की बात कर रहे हैं, गुड्स की नहीं बात कर रहा। सपना समझाओ क्या बोलना चाहता है। अगर लाइव पोल्ट्री फार्म्स को सप्लाई सर्विसेज दे रहे हैं तो। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। तो उस केस के अंदर सानिया आप बोलो कुछ, आप क्या बोलना चाहोगे। मतलब ये सबके लिए नहीं है, ये जो इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है उन उन केसेस में जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है जॉब वर्कर को वो लेना पड़ेगा, बस, नहीं बस। तो पहले नहीं था बट अब कंपलसरी कर दिया सिर्फ इन। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। अगर आप ये सर्विसेज क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो आपके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या कर दिया है, कंपलसरी कर दिया, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से पढ़ो फर्दर। Further, it is also provided that job workers who are involved in making supply of services in relation to jewelry, goldsmith, silversmith, wares and other articles are eligible for exemption from registration where such job workers engaged in making interstate supply of services to a registered person. San, क्या नाम है? सपना एक बार समझाना इसको, क्या बोल रहा है ये? जो भी जॉब वर्कर्स इन सब के सप्लाई कर रहे हैं ज्वेलरी, गोल्डस्मिथ, सिल्वरस्मिथ, ऐसे और आर्टिकल्स, उनको एग्जम्पशन मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन से, उनको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है। सानिया आप बोलो, आप क्या बोलना चाहोगे। सर जॉब वर्कर के लिए जो जब हमने चैप्टर किया, जो लोग ये ज्वेलरी इन सब का बिजनेस कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है, अगर वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं सर्विसेज की टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो उन लोगों को क्या कर दिया है, एग्जम्प्ट कर दिया, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन से क्या कर दिया, एग्जम्प्ट कर दिया। एग्जम्प्ट मतलब कि ये सेक्शन जो 24 है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है इनका, अगर इनको थ्रेशोल्ड लिमिट अगर ये क्रॉस करते हैं तो इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दूसरा दूसरा क्या कहना चाहते थे आप जॉब वर्कर का? नहीं मैं तो यही कह रही थी। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मान लो कि एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हटके पूछ रहा हूँ, मतलब हटके मतलब कि ज्वेलरी से रिलेटेड मैं यहाँ पे नहीं पूछ रहा, मैं एक सिंपल कह रहा हूँ कि मान लो एक बंदा जॉब वर्क करता है और वो फर्नीचर बनाता है, फर्नीचर की उसकी दुकान है, ठीक है, और जॉब वर्कर क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है ना, तो उसको फर्नीचर क्या बनाता है, फर्नीचर में पॉलिशिंग करता है वो। तो मान लो कि आप फर्नीचर बना के उस जॉब वर्कर को पॉलिशिंग के लिए दे देते हो कि भाई तू पॉलिशिंग कर इसके ऊपर और फिर उसके बाद हमें वापस कर देना। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो यहाँ पे बंदा सप्लाई कर रहा है वो बंदा सप्लायर ऑलरेडी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है जिसने वो फर्नीचर बना रखे हैं, और जो सामने बंदा है जॉब वर्कर उसका काम है ओनली पॉलिशिंग करना, तो क्या उसे उस जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? सपना बताओ, वो सेक्शन 22 में आएगा या नहीं आएगा, थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर आएगा या नहीं आएगा? मैं ये कह रहा हूं, आप सपना हो, आप सप्लायर हो और सामने वाली जो पार्टी है वो जॉब वर्कर है, आप फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, आप फर्नीचर बनाते हैं और फर्नीचर बना के जो भी चेयर टेबल सोफा जो भी आप बनाते हैं
आगे जॉब वर्कर उसमें अपना काम करके जो भी काम होता है ऊपर से वो पॉलिशिंग वो सारी चीजें वो करके देता है वापस आपको। और आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, क्या जॉब वर्कर को भी सेक्शन 22 में थ्रेशोल्ड लिमिट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या सेक्शन 24 जो कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है ये उसके अंदर फॉल करेगा? अभी सेक्शन 24 आपने पढ़ा नहीं है, बट आपको क्या लगता है कि सेक्शन 24 के अंदर ये फॉल कर रहा होगा जॉब वर्कर, इसे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाए? तो सेक्शन 24 में तो लिखा नहीं है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन तो है नहीं। अगर आप सेक्शन 24 देखोगे तो सेक्शन 24 के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ये आपका सेक्शन 24 है जो बोलता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर मैं मोटा मोटा यहाँ पे पढ़ूं तो पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई बोला हुआ है, ये बाद में डिटेल में बात करेंगे, इसमें CTP ये सब बोला है। अगर आप कहीं पे देखोगे तो जॉब वर्कर यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, मतलब कि जॉब वर्कर के लिए कंपल्सरी नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। और सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 के अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो मेरा क्वेश्चन है क्या थ्रेशोल्ड लिमिट अगर है यहाँ पे, थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए बोला हुआ है, ये यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है, सपना एक बार इसको पढ़ोगे? सप्लायर ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क बाय अ रजिस्टर्ड जॉब वर्कर शैल बी ट्रीटेड एज द सप्लायर ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल रेफर्ड टू इन सेक्शन 143 ऑफ CGST एक्ट 2017 एंड द वैल्यू ऑफ सच गुड्स शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द रजिस्टर्ड जॉब वर्कर। प्रैक्टिकल लाइफ में ना ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब सामने से क्लाइंट के क्वेश्चंस होते हैं। तो एक जॉब वर्कर यहाँ पे आप ले लो, यहाँ पे मिस्टर ए ले लो आप, मिस्टर ए जीएसटी के अंदर क्या है रजिस्टर्ड है और ये अपना काम जॉब वर्कर से कराते हैं और ये जॉब वर्कर भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। तो हम लोग उस केस के अंदर क्या बोलते हैं कि भैया अगर ये टाइम पे अगर ये जॉब वर्कर जो हमारा सेक्शन है 143 अगर ये उसका कंप्लाइंस करता है और टाइम पे क्या कर देता है ये रिटर्न कर देता है ये गुड्स, मतलब सेक्शन 143 का कंप्लाइंस कर रहा है, तो सीधे सीधे क्या होगा जो भी इस सप्लायर ने इसको माल भेजा है वो इसकी टर्नओवर में क्या होगा, इसकी जो टर्नओवर है उसके अंदर ऐड किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, इसकी टर्नओवर में ऐड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि अगर मिस्टर ए जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है जो मेरा क्वेश्चन था और यहाँ पे जो जॉब वर्कर है वो अनरजिस्टर्ड है, जॉब वर्कर क्या है अनरजिस्टर्ड है और ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है देखो ध्यान से। तो मिस्टर ए क्या कर रहा है जो जॉब वर्कर है, तो ये इसको फर्नीचर सप्लाई कर रहा है मैंने आपको बताया और ये भाई साहब पॉलिशिंग करके उसको दे रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इस जॉब वर्कर को क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्या सेक्शन 24 में ये आ रहा है, आंसर इज नो। क्या सेक्शन 22 के अंदर क्या ये पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है सब सेक्शन 1 के अंदर, क्या क्या इसको थ्रेशोल्ड लिमिट मिलेगी, क्या इसको थ्रेशोल्ड लिमिट मिलेगी? सानिया बताओ आप, थ्रेशोल्ड लिमिट मिलेगी या नहीं मिलेगी इसे? इसको मिलेगी थ्रेशोल्ड, हाँ इसको थ्रेशोल्ड लिमिट मिलेगी भाई। ये चेक करना पड़ेगा ये कहाँ का है, 20 लाख, 10 लाख और 40 लाख। अच्छा एक मिनट, 40 लाख वाली मिलेगी इसे, 40 लाख वाली मिलेगी, क्योंकि जॉब वर्कर मुझे बताओ गुड्स ये क्या माना जाएगा, गुड्स की सप्लाई कर रहा है या सर्विसेज दे रहा है? इस केस में सर वो सर्विस दे रहा है, हाँ ये सर्विस दे रहा है। तो ये जॉब वर्कर किस कैटेगरी में आएगा, गुड्स के उसमें आएगा या सर्विस के केस के अंदर आएगा? सर्विस ही देता है जॉब वर्कर तो, अम्मा
ऐसा ऐसा अगर कोई केस आप बनाते भी हो तो असली में क्या है, हम ऑलवेज जॉब वर्कर को कहाँ पे ट्रीट करेंगे, सर्विस के अंदर। तो जॉब वर्कर हमेशा सर्विस के अंदर ट्रीट किया जाएगा, और बस आपको यही ध्यान रखना है कि जॉब वर्कर को थ्रेशोल्ड लिमिट मिलेगी। आंसर इज यस। अगर इसका 20 लाख क्रॉस कर जाता है या जो भी है 10 लाख क्रॉस कर जाता है, उसके बाद इसे भी क्या करना होगा, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन कब कराना होता है, थ्रेशोल्ड लिमिट जंप करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे हम आगे चलते हैं, ये सारा हमारा हो गया सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद आप आ जाओ ये हमने ऑलरेडी वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर किया हुआ। अब आप आ जाओ सेक्शन 22 सब, ये इलस्ट्रेशन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन बताई गई है इसमें एग्रीगेट टर्नओवर की। उसके बाद सेक्शन 22 सब सेक्शन 2 आ गया। सेक्शन 22 सब सेक्शन 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, एवरी पर्सन On the day immediately preceding the appointment date क्या थी हमारी, 1 जुलाई। appointment date क्या थी हमारी, 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 क्या कहना चाहता है ये, 1 जुलाई 2017 अगर किसी बंदे ने क्या कर रखा है, 1 जुलाई 2017 से पहले is registered or hold a license under the existing law shall be liable for registration under this act With effect from appointment date. मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मैं ऑलरेडी एक्साइज लॉ के अंदर, सर्विस टैक्स लॉ के अंदर ऑलरेडी अगर मैं रजिस्टर्ड था, तो क्या मेरे लिए यहाँ पे मैंडेटरी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन कराना, आंसर इज यस। क्या मुझे थ्रेशोल्ड लिमिट मिलेगी, आंसर इज नो, मुझे यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं मिलने वाली। असली में जिन लोगों ने सर्विस टैक्स पढ़ा है, तो सर्विस टैक्स के अंदर 10 लाख रुपए की लिमिट होती थी, कि जैसे ही आप 10 लाख रुपए की सर्विस देते थे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता था, और उसमें क्या होता था, 9 लाख क्रॉस करते ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता था सर्विस टैक्स के अंदर। अब जैसे ही ये लॉ आया तो कई लोगों को लगा कि यार जीएसटी के अंदर तो 20 लाख रुपए की लिमिट है और हमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, और लोगों ने, कईयों ने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे सेक्शन 22 सब सेक्शन 2 के अंदर लिखा हुआ था कि जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए मैंडेटरी था रजिस्ट्रेशन कराना। तो मान लो आपके पास एक क्लाइंट का फोन आ गया कि यार ऑलरेडी मैं सर्विस टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड हूँ और मेरी जो यहाँ पे टर्नओवर है वो 11 लाख रुपए की है, अब आप मुझे बताओ जीएसटी में मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है। तो सपना, आपका क्या आंसर होगा, उसे जीएसटी के अंदर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यस और नो? एक जुलाई 2017 से पहले सपना वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा या नहीं करेगा? हाँ जी, क्या सपना है नहीं क्या लाइन में? हाँ हो तो सही, आंसर बताओ सपना। सानिया आप बताओ। सर उसे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो कोई बात ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो है, बट अब जीएसटी आ गया ना 1 जुलाई 2017, मान लो अभी 1 जुलाई 2017 आ गया, तो क्या उसे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन उसके लिए कंपलसरी है, फिर उसे कराना पड़ेगा। वेरी गुड, उसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इन्होंने 25 जून को पोर्टल खोल दिया था, पर पोर्टल खोलने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी, उसके बाद इन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, अगर कई लोग माइग्रेट नहीं कर पाए तो बाद में भी कर ले, हम उन्हें रियायत दे देंगे। तो वो तो एक प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर हुआ कि उनको टाइम पीरियड दे दिया गया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, पर कई लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जीएसटी के अंदर तो 20 लाख रुपए की लिमिट है। देखो, तो मेरा क्वेश्चन बस यही था कि कई लोगों ने सर्विस टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करा रखा था, फिर उन्होंने 1 जुलाई 2017 के बाद अपना जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, इस वजह से कि हमारी जो टर्नओवर है वो 20 लाख से कम है, तो स्टूडेंट्स उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उनके लिए मैंडेटरी हो गया क्योंकि उनके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। सेक्शन 22 सब सेक्शन 3 में आ जाते हैं, अगर ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न,
तो अगर आपका चलता चलाया बिजनेस है और आपका जो बिजनेस है वो आप दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो एज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है जी, या आप अपना बिजनेस क्यों ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि डेथ के केस के अंदर मान लो लीगल हायर्स को बिजनेस ट्रांसफर हो गया, तो उस केस के अंदर जिसको ट्रांसफर किया गया या जिसको सेशन में वो बिजनेस मिला है उसको उस बिजनेस का क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल आप धीरूभाई अंबानी का ले सकते हो मान लो, तो धीरूभाई अंबानी का अगर कोई सोल प्रोप्राइटर बिजनेस था और मुकेश अंबानी को वो बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है, तो उस केस के अंदर मुकेश अंबानी को नया रजिस्ट्रेशन उसका लेना होगा। अगर किसी भी कंपनी का आपस में अमल कमीशन या डीमर्जर होगा तो उस केस के अंदर उन्हें भी दोबारा से क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो इस तरीके से ये चारों हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद सेक्शन 23, सेक्शन 22 कंप्लीट हो गया। हाँ, सेक्शन 23 के अंदर, सेक्शन 23 के अंदर बोला गया पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो कौन से लोग हैं जो लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के? तो सबसे पहले वो लोग हैं जिनको अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, जो लोग एक्सक्लूसिवली किसका बिजनेस कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज का या बोथ का, एंड आर नॉट लायबल टू पे टैक्स। क्यों? क्योंकि होली एग्जम्प्ट, क्योंकि क्या है उनका, होली एग्जम्प्ट फ्रॉम सीजीएसटी और आईजीएसटी। तो अगर आप ऐसे गुड्स की सप्लाई कर रहे हो जो होली एग्जम्प्ट है, तो उस केस के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। अगर आप एग्रीकल्चर, अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, कल्टीवेशन ऑफ लैंड करते हो, ठीक है जी, तो उस केस के अंदर खेती करते हो, तो उस केस के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। तीसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो भारत सरकार क्या कर सकती है, जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन में उन लोगों को नोटिफाइड कर सकती है जिनको अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। तो जो आपकी 40 लाख रुपए की लिमिट है ना, वो जीएसटी काउंसिल ने भारत सरकार को यहीं से बोली थी कि आप गुड्स के केस में 40 लाख रुपए की लिमिट कर दो। क्यों कर दो 40 लाख रुपए की लिमिट? क्योंकि कई लोगों की सप्लाई होती थी गुड्स के अंदर और उनका कहना था कि सर जो आपने 20 लाख रुपए की लिमिट बता रखी है वो तो बहुत कम है, और आप इस लिमिट को क्या कर दो, एनहांस कर दो। तो एग्जाम के अंदर जब भी 40 लाख रुपए की लिमिट लिखो तो ये लिखना सेक्शन 22 रेड विद सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 नोटिफिकेशन नंबर 10/2019। एक बार रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूं इसका नोटिफिकेशन नंबर। हाँ, 10/2019 इसका नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन आई थी, इफेक्टिव हुई थी 1 अप्रैल 2019 से। नोटिफिकेशन नंबर है 10/2019, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। उसके बाद 24 के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर बोला गया कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, मतलब कि आपको क्या कराना पड़ेगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अभी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे आएगा, बहुत ज्यादा आपको जो इंटरेस्टिंग लगने वाला है। मेरी बुक कहाँ चली गई, तो मेरी बुक के अंदर है ना, यहाँ पे आपको जो प्रोसीजर पढ़ाऊंगा ना वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। ये अगर आप देखोगे तो मैंने जो प्रोसीजर डिजाइन किया है, ये मैंने बैठ के डिजाइन किया था। तो इस सेक्शन 25 में जो अब आप सीखोगे प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, तो इसमें बहुत मजा आएगा। हम लोग सेक्शन 25, 26, 27 एक साथ जब करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो ये पूरा प्रोसीजर देखेंगे। और GSTN पोर्टल से आपको ये भी चीज दिखाऊंगा किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है जी। अभी आप सेक्शन 24 के अंदर आ जाओ, बहुत इजी है। सानिया पढ़ते चलो, पहला क्या लिखा हुआ है, person making any interstate taxable supply, casual taxable person making taxable supply, person who are required to pay tax under reverse charge. बस तीन ही पॉइंट पढ़ने थे। सबसे पहला जो पॉइंट है, पर्सन क्या सप्लाई कर रहा है, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे इंटर स्टेट बोल दिया, यूपी से हरियाणा आप सप्लाई कर रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे ये नहीं बताया टैक्सेबल सप्लाई किसकी, गुड्स की या सर्विसेज की। तो सबसे पहले यहाँ पे एनालिसिस के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे आपके सामने एनालिसिस दे रखी है, टैक्सेबल सप्लाई बता रहा है यहाँ पे, और किसकी सप्लाई बता रहा है, गुड्स की सप्लाई यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है जी।
गुड्स की इसने यहाँ पे सप्लाई बताई है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं क्या बोलना चाहता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है गुड्स की, नीचे इसने सर्विस का बताया हुआ है, दोनों का अलग अलग देखेंगे। तो कितने की गुड्स सप्लाई कर रहा है, 6 लाख के, कहां से, तमिलनाडु से हैदराबाद तेलंगाना, ये अप्लाई कर रहा है, ठीक है जी। तो सप्लायर रिसीवर, तो कह रहा है इफ अ पर्सन मेक सिंगल इंटर स्टेट सप्लाई ही विल ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन और पे जीएसटी। तो भैया चाहे आप 1 रुपए का माल बेचो, ठीक है जी, चाहे आप फ्री में बेचो, आपको उसके अंदर क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो गुड्स के केस में रजिस्ट्रेशन कराना क्या हो गया, एक तरीके से मैंडेटरी हो गया, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो, फिर चाहे 1 रुपए की सप्लाई हो या 0 रुपए की सप्लाई हो, फ्री में सप्लाई कर रहे हो तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस आ गया, एग्जम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, ये क्या बात है। देखो असली में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, सीएमए है, जितने भी लोग मतलब प्रोफेशनल्स हैं, अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट मैनेजमेंट वाला बंदा जीएसटी की ऑडिट करने जाता है, दिल्ली में आपका ऑफिस है, प्रैक्टिसिंग आपकी दिल्ली में, और आप बैंगलोर जा रहे हो ऑडिट करने के लिए, तो पहले क्या हो गया था कि भैया रजिस्ट्रेशन कराना था, बट यहाँ पे ये नोटिफिकेशन कौन सी डेट को आई है, 13 अक्टूबर 2017 से ये नोटिफिकेशन आ गई, 10/2017, और इसके अंदर देखो क्या बोला, 22nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड की गई 6 अक्टूबर 2017। मैंने क्लास के अंदर बच्चों को ये डेट ही याद करा दी थी, क्योंकि इस डेट के अंदर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हुए जीएसटी के अंदर, और 6 अक्टूबर 2017 की आपको डेट नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है जी, 22nd, और जो इफेक्टिव हुए प्रोविजन वो 13 अक्टूबर से प्रोविजंस को इफेक्टिव कर दिया। सानिया पढ़ दो एक बार इसे। The GST Council in its 22nd meeting held on, आपको याद आ रहा है सानिया, ये डेट याद करवाई थी आपको। हाँ जी सर याद है। चलो चलो यादें ताजा हो जाती हैं। Has recommended that it has now been decided to exempt those services providers whose annual aggregate turnover is less than 20 lakh, 10 lakh in special category states, 20 lakh for J&K from obtaining J&K registration, even if they are making interstate taxable supplies of services. इसकी interpretation बताओ क्या बोलना चाहता है? वो बस यही कह रहे हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स है जिनकी टर्नओवर वो और वो इंटरेस्टेड कर रहे हैं, अगर उनकी टर्नओवर 20 लाख से कम है तो उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के लिए 10 लाख लिमिट रखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, और बाकी जेएंड के लिए 20 लाख की लिमिट है। तो इस केस के अंदर अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट मैनेजमेंट है, ऑडिट के लिए जाता है जीएसटी की, और उसकी जो टर्नओवर है वो दिल्ली का बंदा है, 20 लाख से कम की उसकी टर्नओवर है, तो उसे इस केस के अंदर रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर वो नहीं आएगा। अगर मैं इसको सीधे तरीके से बोलूं तो इसका मतलब कि जो सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं और वो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं सर्विस, तो उनको क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट मिलेगी इनडायरेक्टली, उनको सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 के अंदर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है इंटर स्टेट में, वो लिमिट भी उनको दी जा रही है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल पढ़ दो सानिया, पढ़ो एग्जाम्पल क्या लिखा है। Mr. CMA Manish, an unregistered person under GST, has place of profession in Bhubaneswar, Odisha, supplies taxable services to Infosys Limited, a registered person under GST in Bangalore. ठीक है. Answer the following. Is it interstate supply or intrastate supply? तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये interstate है या intra है? सपना बताओ, inter या intra? सर ये तो आंसर ही लिखा है सामने, इंटरस्टेट है, आप कैसे बोल सकते हो इंटरस्टेट है, सपना से क्वेश्चन है वो, इंफोसिस लिमिटेड बैंगलोर में है और वो खुद ओडिशा का है, तो क्या हो गया, लॉजिकल मेरे को आंसर दो, जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग आंसर दो। ये तो कोई भी बच्चा बता देगा कि सर वो यहाँ पे बंदा उड़ीसा से बैंगलोर दे रहा है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट हो गया, मुझे लॉजिकल आंसर चाहिए सपना, प्रोफेशनल आंसर चाहिए, प्रोफेशनल वाला। मैं देखना चाहता हूँ आप वो सोच पा रहे हो जो मैं सोच पा रहा हूँ। सानिया बताओ,
सर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ वेरी गुड वेरी गुड क्लैपिंग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या करना है सपना, जब भी आपको कोई कहे कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है तो आपको कहना है कि सर जो हमारा पॉस का चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई का, उसके अंदर LOS होता है और POS होता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई, सर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि ये जो सप्लाई है वो इंट्रा हो रही है या इंटर। आप याद करो सपना, पहली पहली क्लास में जब चार्जिंग सेक्शन मैंने पढ़ाया था सेक्शन 9, तो वहां पे मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई का जो चैप्टर है उसके अंदर मैंने इम्पोर्टेंस बताई थी आपको कि हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि एक जो सप्लाई है वो सप्लाई इंटर हो रही है या वो सप्लाई इंट्रा हो रही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद कहता है हु इज लायबल टू पे जीएसटी, इसके अंदर जीएसटी कौन पे करेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बी वाले पार्ट का क्या लिखा है, मिस्टर सी इज नॉट लायबल टू पे IGST सिंस रजिस्ट्रेशन इज नॉट मेड मैंडेटरी टू हिम। तो यहाँ पे जो मिस्टर, ये सी कहाँ से लिख दिया, CMA मनीष लिखना था ना इनको, और यहाँ पे उसकी जो टर्नओवर है वो 18 लाख रुपए की बता रखी है, तो यहाँ पे उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, और क्या ये रिवर्स चार्ज के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे क्या ये रिवर्स चार्ज के अंदर आएगा क्या, नहीं, रिवर्स चार्ज में वही आएंगी सर्विसेज जो कि 9(3) के अंदर कवर है। ठीक है, 9(4) तो एक अलग ही कैटेगरी है और 9(5) तो आपको पता ही है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है। ठीक है, ओला उबर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एकोमोडेशन और उसके अंदर हाउस कीपिंग के लिए। ठीक है जी, हाँ 9(3) की ना आपको मैं अलग से बना के भेजूंगा, थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊं फिर मैं आपको अलग से बना के भेजूंगा, रिवर्स चार्ज वाली और एग्जेम्प्ट वाली, जितनी मैंने बना रखी थी वो तो मेरे ख्याल से आपने देख ली है ना। हाँ चलो ठीक है, दोनों ने कंप्लीट कर ली ना, वो तो सपना ने कर ली वो क्या सर, जो बेटा मैंने 9(3) वाली और एग्जेम्प्ट वाली जो मैंने वीडियो बना रखी थी। नहीं मैंने अभी नहीं देखी। चलो सानिया से बात कर लेना एक बार, वो कंप्लीट कर लेना, बाकी मैं जब ये फ्री हो जाऊंगा ना, थोड़ा सा आजकल यार सुबह से क्लास चलती रहती है बच्चों की, तो जैसे ही मैं फ्री होता हूँ फिर वो बनाता हूँ आपके लिए। उसके बाद इसमें पे कौन करेगा जीएसटी, इसके अंदर जीएसटी पे करने की जरूरत ही नहीं है ना, असली में ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, छोटा आदमी है, सप्लाई कर रहा है, हर केस में थोड़ी ना जीएसटी आ जाएगा, रिवर्स चार्ज तो उसी केस में लगना है जो सर्विसेज हाँ, गवर्नमेंट का नुकसान हो जाएगा तो क्या हो गया, अब बंदा छोटा है ना, अभी मान लो कि अभी आप सीएमए बनते हो, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, तो क्या अभी कमाना स्टार्ट नहीं किया और जीएसटी भरना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हारे पैसे पे 100 रुपए में 18 रुपए गवर्नमेंट ले लेगी, अगर मान लो 50,000 रुपए का काम किया और 18% निकाल लो 50,000 का, कितना हो गया, मेरे ख्याल से कितना हो गया 50,000 का 18%, 9,000 रुपए, चलो आप मोटा 10,000 रुपए लगा लो, अब 50,000 रुपए का काम करोगे, 10,000 रुपए सरकार को दोगे तो अच्छा लगेगा तुम्हें, तो वो वाली कहानी है, तो इसलिए यहाँ पे जीएसटी नहीं रखा गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। CTP कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, दोनों को पता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, पता है। चलो सपना आप बताओ क्या होता है, एग्जाम में बताओ, अच्छा एग्जाम में कैसे लिख के आओगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, क्या लिख के आओगे एग्जाम में, इंग्लिश में ही बताओ एग्जाम में कैसे लिख के आओगे, कैसे डिफाइन करोगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, आप बोलोगे कैजुअल, आप बोलोगे, मैं बोल देता हूँ, आप बोलोगे कैजुअल, अच्छा चलो बोलो बोलो, तुम्हारा मन कर रहा है बोलो, अलग अलग प्लेसेस पर जाके जो करता है इवेंट्स में। नहीं बेटा मैं ये कह रहा हूँ, वो तो आपको सारा मीनिंग पता है, मैं कह रहा हूँ जब एग्जाम में या असली में सीए में क्वेश्चन आया था, तो जब एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में कैसे लिख के आओगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, क्या लिख के आओगे पेपर, इंग्लिश में बताओ क्या लिख के आओगे, वहां ना बच्चों से लिखा नहीं जाता, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, वो वहां बच्चे सोच में पड़ जाते हैं भाई लिखे क्या ये कैजुअल टैक्स, और वो भी लिखना कितने नंबर पे, 5 नंबर में, 5 नंबर में बच्चा कहता है भाई मैंने तो बस सेक्शन 220 पता है मेरे को क्या लिखा हुआ है, और वो भी आधा अधूरा पता है कैसे लिखेगा, तो आपको इसको कैसे लिख के आना है, आपको लिख के आना है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन, CTP का मतलब क्या है, एक पर्सन है,
जो ओकेजनली क्या करता है, अंडरटेक करेगा ट्रांजेक्शन, जो कि किससे इन्वॉल्व होंगी, सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विस और बोथ, किसमें होंगी, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कैसे होंगी, वेदर एज अ प्रिंसिपल एजेंट और इन एनी अदर कैपेसिटी, या तो प्रिंसिपल एजेंट और एनी अदर कैपेसिटी, कहां पे होगी, इन द स्टेट हो सकती है, यूनियन टेरिटरी हो सकती है, वेयर ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, तो उसका यहाँ पे कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो ये डेफिनेशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको इसका रजिस्ट्रेशन का बताना है कि कौन सा फॉर्म ये फाइल करता है, तो दो तीन चीजें वो इसकी बतानी है, जीएसटी की पेमेंट कैसे करता है, तो जाके 5 नंबर मिलते हैं। फिर आगे चलते हैं, ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है सीटीपी का, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का बताया गया है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है। तो सबसे पहले अगर हम देख लें तो सीटीपी क्या है, रजिस्ट्रेशन इसके लिए कंपलसरी है, इसके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, ये कंपोजिशन स्कीम भी नहीं ले सकता, कंपोजिशन स्कीम भी नहीं ले सकता। सबसे पहले इसे एप्लीकेशन देनी होगी रजिस्ट्रेशन की, एप्लीकेशन कितने दिन पहले देगा, 5 दिन पहले, जब ये यहाँ पे बिजनेस करने आ रहा है, जिस भी प्लेस के अंदर ये बिजनेस करने आ रहा है, जहां पे इसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, जिस भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट के अंदर ये बिजनेस करने आ रहा है, जहां पे इसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो इसे क्या करना होगा, 5 दिन पहले इसे जीएसटी आरईजी 01 के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन के लिए जब अप्लाई करेगा तो ये डिक्लेरेशन इसको देनी होगी, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारा इसका जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा पार्ट बी है, अगर आप जीएसटी के लिए कभी अप्लाई करोगे तो आपको उसमें पता लगता होगा, जैसे ही हम लोग फॉर्म फाइल कर देते हैं तो उसके बाद हमें क्या इश्यू होता है, वहां पे पार्ट बी के अंदर यहाँ पे बताया जीएसटी आरईजी 01 जो ये फॉर्म फाइल कर रहा है, उसके बाद इसको एडवांस में पेमेंट भी करनी होगी, इसको क्या करनी होगी, एडवांस में पैसा डिपॉजिट करना होगा। अब एडवांस में ये कितना पैसा वहां पे डिपॉजिट करवाए टैक्स का, तो इसको क्या करना होगा, अपना एस्टिमेटेड देखना होगा कि भैया मेरी कितनी टर्नओवर होगी, कितना माल मेरा बिक सकता है, तो ये एडवांस में जो पैसा डिपॉजिट करवाएगा वो कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर इसका पैसा चला जाएगा। मैं ये ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, आप एक बार लाइनें पढ़ लेना, और ये जो अप्लाई डिपॉजिट करवाएगा पैसा, उसके लिए जो होगा जीएसटी आरईजी 02 होगा, ठीक है। इसे जो सर्टिफिकेट मिलेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो इसे जीएसटी आरईसी 06 के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो सभी के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। अब जो इसको जीएसटी मतलब जो रजिस्ट्रेशन मिला है, वो इसका सर्टिफिकेट कितने टाइम पीरियड के लिए वैलिड है, तो वो जो वैलिड यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पे बोला गया 90 डेज के लिए वो वैलिड होता है। यहाँ पे एक बार ये सानिया वैलिडिटी का पॉइंट पढ़ दो इसका। The certificate of registration shall be valid for the period specified in the application for registration or 90 days from the effective date of registration, whichever is earlier. The proper officer may extend registration for a period not extending 90 days. The annual taxable person shall make an advance deposit of tax, that is advance payment of tax, in an amount equivalent to estimated tax liability of such person for the period for which extension of registration is sought. हाँ, तो simple words में क्या कह रहा है सपना, आप बताओ क्या कह रहा है? उसके registration जो application है registration की, उसमें जो time period लिखा है लगभग 90 days from the effective date of registration, जो भी पहले होगा उतने time तक valid है, बाकी वो 90 डेज के, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। माइक म्यूट कर लो, दोनों माइक म्यूट कर लो। 90 डेज के लिए उसका रजिस्ट्रेशन क्या होगा, वैलिड होगा। आगे 90 डेज के लिए वो फर्दर एक्सटेंशन मांग सकता है, मतलब ठीक है जी, फर्दर एक्सटेंशन वो 90 डेज के लिए ले सकता है, और पहला जो पीरियड आपने स्पेसिफाइड किया होगा एप्लीकेशन में, और 90 डेज विच एवर इज अर्लियर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। दूसरी बात, आप एक्सटेंशन ले सकते हो 90 डेज की, और जो आपने यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करवाया हुआ है, तो लास्ट में क्या होगा, आप चेक कर लिया जाएगा कि आपकी लायबिलिटी कितनी बन रही है, और फिर आपको यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, अपनी रिटर्न भी फाइल करनी है। तो GSTR 1, 2, 3, तो अभी तो 3B चल रही है, पर इन्होंने ऐसी लिखा हुआ है तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसकी एक एनुअल रिटर्न जाएगी,
उसके बाद रिफंड, अगर रिफंड बनेगा तो रिफंड मिल जाएगा इसको, ठीक है जी, वो देखना पड़ेगा इसका रिफंड बन रहा है नहीं बन रहा। उसके बाद आईटीसी का क्या लिखा हुआ है, ये सानिया एक बार एनुअल रिटर्न नहीं जाएगी इसकी, क्या कह रहे हो, एनुअल रिटर्न नहीं जाएगी इसकी, एनुअल रिटर्न, हाउएवर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न एज रिक्वायर्ड बाय नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन, बिल्कुल सही कह रहे हो, एनुअल रिटर्न नहीं फाइल होगी इसकी। और एनुअल रिटर्न इसलिए नहीं फाइल हो रही, क्यों नहीं फाइल हो रही, क्योंकि इसका तो जो ये वाली रिटर्न जाएगी इसी रिटर्न में सारा कुछ फाइनलाइज हो जाएगा, है ना, रिफंड बनेगा तो रिफंड पता लग जाएगा, जो इसकी कंसोलिडेटेड जीएसटीआर 3 भी जाएगी उसी से पता लग जाएगा, ठीक है जी। तो बेटा आप पढ़ दो आईटीसी का क्या प्रोविजन बोल रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। The taxes paid by a casual taxable person shall be available as credit to the respective recipient. हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी क्रेडिट मिलेगा, बस इसका ना डिफरेंस जो है वो एनआरटीपी से, एनआरटीपी को आपको पता है उसको आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलता, उसको केवल उन्हीं गुड्स का क्रेडिट मिलता है जो वो इम्पोर्ट करता है। हाँ, तो ये क्या करना आप, सीटीपी और एनआरटीपी में डिफरेंस करना आप। उसके बाद ये 9-10 इसका दिया हुआ है, उसके बाद रिवर्स चार्ज में बोला हुआ है, रिवर्स चार्ज आपको पता ही है, 9-3 के अंदर जो भी सर्विसेज स्पेसिफाइड है उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, 9-5 के अंदर तीन लोगों को बोला गया है उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एनआरटीपी का आ गया, ये आपका होमवर्क है, सेम पढ़ लेना, एनआरटीपी सेम है, बस ये चीजें चेंज हो जाएंगी, फॉर्म चेंज हो जाएगा। अच्छा, एनआरटीपी के केस के अंदर अगर देखोगे तो इसका पैन नंबर नहीं जाएगा, ठीक है ना, इसका जो पासपोर्ट होगा पासपोर्ट के बेसिस के ऊपर ये अपना अप्लाई करेगा, तो पैन नंबर, ये इसका पैन नंबर नहीं होगा, इंडिया का पैन नंबर नहीं होगा इसके पास। ये सारा सेम इसी तरीके से आप पढ़ लोगे इसका भी। उसके बाद आ गया आपका सेक्शन 51, ये क्या कहानी है, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, जिसको टीडीएस काटना है उसको भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद ये वाला क्या पॉइंट है, पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज अ एजेंट और अदरवाइज, ये एक बार सानिया ये पढ़ दो क्या लिखो। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट रिसीव्स द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, सब्सिक्वेंटली ही सप्लाइज गुड्स टू द कस्टमर एज एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल, ही मेंटेन्स द स्टॉक, रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल, if so such an agent shall be liable to obtain the registration compulsorily irrespective of the aggregate turnover of such agent. Sapna batao kya keh raha hai, haan ji Sapna bolo। अगर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स रिसीव कर रहा है, उसके आगे सप्लाई कर रहा है और स्टॉक मेंटेन करता है, तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन लेने कंपलसरी है। तो यहाँ पे मेरा आप यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर मान लो प्रिंसिपल जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है और जो एजेंट है वो सप्लाई कर रहा है उसके बिहाफ में, तो क्या एजेंट को रजिस्ट्रेशन लेना होगा, सपना बताओ। हाँ, अगर उसने स्टॉक मेंटेन किया तो। अरे जो प्रिंसिपल है वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड है, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा ही है तो लेना पड़ेगा उसे। अगर देखो यहाँ पे कहानी सानिया आप बताओ, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि उसका जो प्रिंसिपल है वो खुद अनरजिस्टर्ड है। हाँ, चक्कर कहानी है भाई, अगर प्रिंसिपल रजिस्टर्ड होगा तो जाके एजेंट को रजिस्ट्रेशन लेना है, अदरवाइज एजेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद आईएसटी आपको पता ही है, आईएसटी क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, ये मैं आपको नहीं बता रहा यहाँ पे, इसके लिए रेफर कर सकते हो आप सेक्शन, मेरे ख्याल से कौन सा है इसके लिए आईएसटी के लिए सेक्शन कौन सा है, 20, ठीक है, वो मैं वीडियो भेजूंगा, ये आईएसटी का पूरा यहाँ से आप पहले वो जो मैं वीडियो भेजूंगा वो पढ़ना और फिर उसके बाद यहाँ से पढ़ना, सारा समझ में आ जाएगा आईएसटी का।
उसके बाद वो आपने वीडियो पहले भेजी थी आईएसडी की, वो 11 मिनट की थी, वही वाली देखनी है दोबारा। हाँ हाँ बस वही है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। 11 मिनट के बाद ये पढ़ लेना, ये 10 मिनट इसमें लग जाएंगे, 11 और 10, 21 मिनट में आपका आईएसडी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। 10 मिनट में रिवीजन कर लेना, आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। उसके अंदर ये शायद फॉर्म ये सब नहीं बता रखे। हाँ, उसमें ये सब तो नहीं, बट कॉन्सेप्ट बताया हुआ। बस हाँ, कॉन्सेप्ट बता रखा है, बिल्कुल सही कह रहे हो, आपने देखी हुई है। उसके बाद ये क्या है, इको का ये क्या लिख रहा है? अच्छा, ये क्या कह दिया इसने, डेफर हो गया। ये क्या, पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज अदर देन स्पेसिफाइड 9(5) को छोड़ दो, ठीक है, हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट। ये देखो, ये क्या कहानी है, सीधी सिंपल सी बात है कि आप क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज, किसके थ्रू सप्लाई कर रहे हो, इको के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। और अगर आपको रिक्वायर्ड है कि आपको टीसीएस काटना है, जैसे ये अमेजोन वाले, ठीक है सर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सबको टीसीएस काटना होता है, तो उस केस के अंदर अगर आप अपना प्रोडक्ट वहां पे अपलोड करवाओगे, तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मैंडेटरी आपके लिए। हाँ जी, देखो मैं आपको ना एक सिंपल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या कहानी है इसकी। असली में इन्होंने, इनके बहुत ड्रामे हुए इसके अंदर और लोग बड़े परेशान रहे, ठीक है जी। एक दो चीजें तो मैंने भी इसके अंदर डील की, तो देखो हमने क्या प्रैक्टिकल लाइफ में हमने क्या डील किया, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी आया, तो जीएसटी के अंदर लिखा था कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होगा उसको सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये 1 जुलाई को लिखा था। अब इससे प्रॉब्लम क्या आ गई कि जो लोग अमेजोन के अंदर हैं, ठीक है जी, या फ्लिपकार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन है, अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, तो उस केस के अंदर क्या होता था, लोग सप्लायर क्या करते थे, अपना प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड करवा देते थे और कस्टमर उस साइट पे जाके उस प्रोडक्ट को बाय करते थे, वो आज भी होता है। पर जीएसटी के अंदर प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो गई, जीएसटी के अंदर प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो गई कि बोल दिया गया कि भैया जो ये सप्लायर है जिसने अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे अपना प्रोडक्ट अपलोड करवाया है उसके लिए भी सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो गया। तो ये बड़ा खतरनाक काम रहा, 2 साल तक ऐसा ही रहा। और 2019 में आके यहाँ पे क्या बोल दिया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है और उसे क्या काटना है, टीसीएस काटना है, तो उस केस के अंदर जो क्या होंगे, सप्लायर होंगे तो उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, अब ये कहानी देखो क्या है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब कि अगर कोई अमेजोन फ्लिपकार्ट है और उसको क्या डिडक्ट करना है, टीसीएस, तो उसे तो अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एक बार मैं बता देता हूँ सेक्शन में कहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है सेक्शन 24, ये जो कहानी लिखी है सेक्शन 24 10 के अंदर ये कहानी लिखी है, और ये जो सप्लायर है इसे अब अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, 24(9) के अंदर इसको मना हो गया अब अपना रजिस्ट्रेशन कराना। तो आज की डेट के अंदर क्या हो गया है। अब अच्छा, आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस काटना है, तो वही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस काटेगा जो क्या कर रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पे जो जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट वही है 20 लाख, या जैसे इस लिमिट को क्या है वो क्रॉस कर रहा है, या 10 लाख, तो जैसे ही आप इस लिमिट को क्रॉस करोगे तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन कराना। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पर जो आपके साथ सप्लायर जुड़े हुए उनको अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अब अगर मान लो कि कोई बंदा खुद की साइट बना लेता है, किसी बंदे ने क्या किया, खुद की वेबसाइट बना ली, तो उसने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का काम स्टार्ट कर दिया, पर अभी उसकी जो टर्नओवर है वो 20 लाख और 10 लाख से ज्यादा की नहीं है,
तो उस केस के अंदर उसे भी अपना जीएसटी के अंदर सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, नहीं कराना है। पहले कराना पड़ता था इसको भी, पहले क्या होता था कोई भी अपनी साइट बनाए उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना, बड़ा खतरनाक काम हो रखा था। अब क्या कर दिया, ये सब चीजें आसान कर दी, अब नहीं कराना रजिस्ट्रेशन। अब तभी कराना है जब आपकी लिमिट एक्सीड होगी 20 लाख या 10 लाख एज द केस में भी, बस ये चेंज है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगला आ गया एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अच्छा ये यहाँ पे पढ़ ही सकते हो, देखो यहाँ पे लिख दिया वो, एक बार सानिया इसको पढ़ दो। As per section 2, subsection 45 of the CGST Act 2017, electronic commerce operator means any person who owns, operates or manages digital or electronic facility or platform for electronic commerce. As per CGST Act 2018, in section 24, small e-commerce operators who are not required to collect TCS under section 52, would not be liable for registration. देखो समझ में आ गया ना, अब अमेंडमेंट आ गई और अमेंडमेंट आने के बाद क्या बोल दिया, अगर अगर क्या है उनको TCS नहीं काटना है तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, यहाँ से पढ़ दो, एग्जांपल दिया हुआ है, बढ़िया समझ में आ जाएगा, पढ़ो। A person supplying goods or services through e-commerce operator would not be entitled to threshold exemption, that is 20 lakhs or 10 lakhs as the case may be. This requirement is, however, applicable only if the supply is made through such electronic commerce operator who is required to collect tax as per Act 2017. Hence, any person who intends to sell on Flipkart, Amazon, or Snapdeal must obtain registration, GST registration. An e-commerce operator is any online business that operates using a marketplace model. Under the marketplace model, an organization sets up an online portal where several small suppliers put up their products for sale. The organization that runs the portal collects payment, takes a percentage as a convenience fee, and sends the rest of the payment to the suppliers. However, where the e-commerce operators are liable to pay tax on behalf of the suppliers under a notification issued under Section 9(5) of the CGST Act 2017, the suppliers of such services are entitled for threshold exemption. क्या बताया इसमें? समझाना जरा। सर इसमें ये बोला गया है कि जो पहले होता था कि फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जो सप्लायर्स होते थे जिनको अपना जो सामान है अगर वो डालना पड़ता था फ्लिपकार्ट अमेजोन पे तो उनको जीएसटी के लिए कंपलसरी था रजिस्ट्रेशन कराना, लेकिन अब अमेंडमेंट आने के बाद उन्होंने ये बोला है कि जो सप्लायर्स हैं उनके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट की जो एग्जेम्पशन थी वो अब एंटाइटल हो गए। मतलब अगर बस यही कहानी है। तो आज की डेट में अगर आप Amazon या Flipkart पे या Snapdeal पे अपना प्रोडक्ट अपलोड करवाओगे तो आपको जो सप्लायर है उसको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जंप होती है भाई 20 लाख 10 लाख एज द केस में भी तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप छोटे सप्लायर हो और आप अपना खुद का ऑनलाइन वेबसाइट खोल लेते हो और आपकी कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब 20 लाख और 10 लाख से आपकी टर्नओवर कम है, अभी आपने अपना बिजनेस खोला है और आप और भाइयों से भी कहते हो, औरों से भी कहते हो कि भैया आप भी क्या करो मेरी साइट पे अपना सामान अपलोड कर दो, तो ना उनको कराने की जरूरत है ना आपको कराने की जरूरत है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो अभी आपने सुना अर्बन क्लैप, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जैसे एसी अब टाइम आ रहा है लोग एसी की सर्विस करवाएंगे, तो मान लो किसी ने अभी स्टार्ट कर दिया अपनी खुद की वेबसाइट बना ली और बहुत सारे लोग हैं जो एसी की सर्विस करते हैं उन लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। अब उस बंदे की खुद की क्या है टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से कम है, चाहे उसने अपनी वेबसाइट खोल ली खुद की तो भी उसे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। जिन लोगों ने उसके साथ बिजनेस ज्वाइन किया वो भी छोटे छोटे लोग हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। तो ये चीज इसके अंदर, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जीएसटी के अंदर, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्योंकि मैं उस टाइम पे क्लास में भी एग्जांपल देते था कि जितने भी लोगों ने वेबसाइट ओपन कर रखी है सबको आज की डेट में अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, पर मैं बोलता था कि कईयों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा। तो देख लो लॉ मेकर ने अपने आप इस बात को समझ लिया, मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है उसकी, तो ये कहानी। और लास्ट अगर आप देखोगे ओआईडीआर, तो ओआईडीआर आपको पता ही है, नेटफ्लिक्स गूगल ये सब
तो इनके लिए क्या है, मैंडेटरी है भाई रजिस्ट्रेशन कराना, कंपल्सरी है। और ये रिवर्स चार्ज के अंदर भी नहीं आते OIDAR, ये फॉरवर्ड चार्ज के अंदर ही है। इनको हम सर्विस देने ही नहीं देंगे जब तक ये अपना GST के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका हाँ जी हाँ जी बोलो सर, वो TCS अंडर सेक्शन 52 का कोई एक एग्जांपल बता दो। TCS का? हाँ जी हाँ, तो यही तो है एग्जांपल, Amazon, Flipkart, यही लोग तो है एग्जांपल, ये लोग TCS काट रहे हैं ना। अच्छा हाँ अच्छा। और TDS जो है ना सानिया, TDS का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 51 में दिया है। उस केस के अंदर क्या है, गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज देगी, तो मैंने आपको TDS और TCS का भी वो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, वीडियो दे रखी है। अच्छा, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कौन कौन से केसेस हैं जहां पे TDS भी काटा जाएगा। बाकी TCS आपने पूछा था, TCS का मैंने आपको बता दिया, ये Amazon, Flipkart बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है, तो इनके लिए तो लिमिट ही कुछ नहीं है, ठीक है ना, 20 लाख की। तो उस केस के अंदर इनके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना, और इन्होंने करा रखा। पर अगर आप इनकी साइट पे प्रोडक्ट अपलोड करवाओगे और आपकी जो लिमिट है वो 20 लाख या 10 लाख से कम है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। पर मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, आज आप Amazon में जाके बोलो कि भाई मेरा एक बिजनेस है और मैं अपना प्रोडक्ट आपकी साइट पे अपलोड कराना चाहता हूं, तो इनकी पॉलिसी है कि आपको GST नंबर देना ही पड़ेगा। जबकि देखो GST के अंदर अमेंडमेंट आ गई, इन्होंने अपने फॉर्म में अमेंडमेंट नहीं किया, तो ये लोग आपसे GST का रजिस्ट्रेशन मांगेंगे। फिर आप कहोगे सर प्रैक्टिकल लाइफ में तो लॉ क्या हो गया, गलत हो गया, ये कहानी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप अपना सप्लायर अगर अपना प्रोडक्ट अपलोड कराएगा, तो ये लोग इनकी पॉलिसी या फॉर्म होता है इनका, तो उसमें GST नंबर डालना ही पड़ता है, ये कहानी, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो। सपना कुछ बोलना है आपको? नहीं सर। हाँ, बाकी मैं व्हाट्सएप आप नहीं भी करोगे, मैं अभी आपको अभी कर रहा हूँ, वो लेक्चर जो रह गए थे ना ITC के, 2-3 सेक्शन रह गए थे, वो मैं भेज रहा हूँ आपको। चलो ओके, बाय, टेक केयर।